हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रियाज, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी टू यार्ड्स ऑफ स्टुपिडिटी। इट मीन्स दो गज की मूर्खता, दो गज की बेवकूफ़ी। वन अदर टाइम एक और बार, शेख चिल्ली की माँ ने सेंट हैम उसको भेजा टू बाय मिल्क, दूध खरीदने के लिए। बर्थ बनाना, यानी एक आने का दूध खरीदने के लिए शेख चिल्ली की माँ ने उसको भेजा। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे। वैन एन आना बॉट थिंग्स, जब एक आने में वो चीज़ें मिल जाती थी, वो चीज़ें खरीद लेते थे। वाट, जो टुडे 10 rupees कैन बाय, जो आज 10 rupees में खरीद सकते हैं। एक और बार की बात है, शेख चिल्ली की माँ ने उसको भेजा दूध खरीदने के लिए, एक आने का दूध खरीदने के लिए उसकी माँ ने उसे भेजा। ये वो समय था जब एक आने में वो चीज़ें मिल जाती थी जो आज 10 rupees में खरीद सकते हैं। इट वॉज शेख चिल्लीज फर्स्ट विजिट, यह शेख चिल्ली का पहला विजिट था, यानी शेख चिल्ली पहली बार गया था। टू द हलवाई शॉप, यानी हलवाई की दुकान की तरफ यह पहली बार शेख चिल्ली का विजिट था। वेयर मिल्क टी एंड स्वीट मीट्स आर सोल्ड, वेयर मतलब जहाँ दूध चाय और मिठाइयाँ वर सोल्ड बेचे जाते थे। वैन ही अराइव्ड, जब वह आया द हलवाई वॉज प्रिपेयरिंग, तो हलवाई तैयारी कर रहा था। टू सर्व द हॉट मिल्क टू अ कस्टमर, हलवाई ग्राहक को गर्म दूध परोसने की तैयारी कर रहा था। इट वॉज शेख चिल्लीज फर्स्ट विजिट, ये शेख चिल्ली का पहला विजिट था, पहला दौरा था हलवाई की दुकान का, जहाँ दूध चाय और मिठाइयाँ बेचे जाते थे। जब वह आया तो हलवाई तैयार कर रहा था एक ग्राहक को गर्म दूध परोसने की तैयारी कर रहा था। सर्व का अर्थ होता है परोसना। ही वॉज कूलिंग, वह ठंडा कर रहा था। द बॉयलिंग मिल्क, उबलता हुआ दूध ठंडा कर रहा था। बाई पॉरिंग इट, इसको उड़ेल करके, फ्रॉम वन मेटल पोट, एक धातु के बर्तन से, इनटू अनदर, एक धातु के बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल करके वो दूध, उबलते हुए दूध को ठंडा कर रहा था। बाई ट्राइंग, कोशिश करके, टू स्ट्रेच मतलब फैलाने के लिए, द मिल्क स्ट्रीम, दूध की धारा को, एज लॉन्ग एज, जितना लंबा वो कर सकता था, ही कुड, जितना वो लंबा कर सकता था उतना लंबा। एक बार फिर से, ही वॉज कूलिंग द बॉयलिंग मिल्क, वह उबलता हुआ दूध ठंडा कर रहा था। बाई पोरिंग, उड़ेल करके, इट मतलब इसको, वह दूध को उड़ेल करके उबलता हुआ दूध ठंडा कर रहा था। एक धातु के बर्तन से दूसरे बर्तन में क्या करके, बाई ट्राइंग, कोशिश करके, टू स्ट्रेच द मिल्क स्ट्रीम, यानी दूध की धारा को फैलाने की कोशिश करके, जितना एज लॉन्ग, जितना लंबा वो फैला सकता था उतना लंबा करके। द मिल्क ऑलमोस्ट लुक्ड, दूध लगभग लग रहा था, लाइक अ लॉन्ग वाइट स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और रोप, यानी कपड़े या रस्सी की सफ़ेद, एक लंबी सफ़ेद पट्टी की तरह दूध लगभग लग रहा था। शेख चिल्ली वॉच्ड फैसिनेटेड, शेख चिल्ली ने देखा मोहित होकर, फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना। तो ही वॉज कूलिंग, वह ठंडा कर रहा था उबलता हुआ दूध, क्या करके, उड़ेल करके, यानी दूसरे बर्तन में डाल करके, किससे, एक धातु के बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल करके, उबलते हुए दूध को डालकर वो ठंडा कर रहा था। बाई ट्राइंग, कोशिश करके, टू स्ट्रेच, फैलाने की, द मिल्क स्ट्रीम, यानी दूध की धारा को, एज लॉन्ग, जितना लंबा वो कर सकता था उतना करके। द मिल्क ऑलमोस्ट लुक्ड, दूध लगभग लग रहा था, लाइक अ लॉन्ग वाइट स्ट्रिप, लंबी सफ़ेद पट्टी की तरह, यानी कपड़े या रस्सी की लंबी सफ़ेद पट्टी की तरह लग रहा था। शेख चिल्ली वॉच्ड फैसिनेटेड, शेख चिल्ली ने मोहित होकर ये चीज़ देखी। जिस तरीके से देखो यहाँ कर रहा है, ये लॉन्ग स्ट्रिप है, ये कर रहा है।
आफ्टर सर्विंग मिल्क टू द कस्टमर, आफ्टर सर्विंग यानी परोसने के बाद, यानी ग्राहक को दूध परोसने के बाद, द हलवाई टर्न्ड टू शेख चिल्ली, हलवाई शेख चिल्ली की तरफ मुड़ा, टू आस्क पूछने के लिए, यानी दूध परोसने के बाद ग्राहक को दूध परोसने के बाद हलवाई मुड़ा शेख चिल्ली की तरफ मुड़ा ये पूछने के लिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, बॉय लड़के, आई वांट मिल्क मुझे दूध चाहिए, हाउ मच कितना, शेख चिल्ली डिड नॉट नो शेख चिल्ली नहीं जानता था, द मीज़रमेंट ऑफ मिल्क शेख चिल्ली दूध की मात्रा नहीं जानता था, शेख चिल्ली दूध की माप नहीं जानता था, देन ही रिमेंबर्ड द क्लॉथ स्ट्रिप लाइक स्ट्रीम ऑफ मिल्क एंड सैड, देन ही रिमेंबर्ड फिर उसको याद आई द क्लॉथ स्ट्रिप, क्लॉथ स्ट्रिप मतलब क्लॉथ मतलब कपड़ा, स्ट्रिप मतलब पट्टी, लाइक स्ट्रीम ऑफ मिल्क फिर दूध की धारा की तरह सफ़ेद की कपड़े की पट्टी उसे याद आई, एंड सैड और उसने कहा, आई वॉन्ट 2 yards ऑफ इट मुझे इसके यानी दूध के 2 गज चाहिए, मुझे इसके 2 गज चाहिए। आगे देखो, ऑल द पीपल सभी लोग प्रेजेंट इन द हलवाई शॉप, सभी लोग जो कि हलवाई की दुकान में मौजूद थे, बर्स्ट आउट लाफिंग वो ठाका मार के हंसे, इंक्लूडिंग द हलवाई यानी हलवाई को शामिल करके, यानी हलवाई समेत सभी लोग जो हलवाई की दुकान में मौजूद थे वो ठाका लगा कर हंसे, द मैन वह व्यक्ति हु वॉज ड्रिंकिंग मिल्क वह व्यक्ति जो दूध पी रहा था, ऑलमोस्ट चॉक्ड ऑन हिज मिल्क लगभग उसका गला चौक हो गया, वह व्यक्ति जो दूध पी रहा था लगभग उसका गला चौक हो गया, द हलवाई टुक आना क्वाइन हलवाई ने आने का सिक्का लिया, एंड पोट और बर्तन लिया, फ्रॉम शेख चिल्ली से, हलवाई ने आने का सिक्का और बर्तन शेख चिल्ली से लिया, एंड पोर्ड और उड़ेल दिया मिल्क मतलब दूध, इन टू लॉन्ग स्ट्रीम्स फ्रॉम हिज मिल्क पोट अपने दूध के बर्तन से, फ्रॉम हिज मिल्क पोट मतलब अपने दूध के बर्तन से 2 लंबी धाराओं में उसने बर्तन में दूध को उड़ेल दिया, सेंग ये कहते हुए, हेयर यू आर डियर शेख चिल्ली लो ये रहा प्रिय शेख चिल्ली, 2 yards ऑफ मिल्क 2 गज का दूध। द हलवाई टुक आना क्वाइन एंड पोट, हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी दैट्स वाई नो नीड नाउ वी हैव टू कंप्लीट हेयर फ्रॉम हेयर। शेख चिल्ली वेंट अवे शेख चिल्ली चला गया प्राउडली गर्व से, एज पीपल वर्स्ट इन टू अनदर राउंड ऑफ लाफिंग, एज मतलब चूंकि पीपल वर्स्ट यानी लोग फूट पड़े, इन टू अनदर दूसरा जो राउंड था, लाफिंग मतलब हंसने का, यानी हंसने का जो दूसरा राउंड था, हंसने के दूसरे राउंड में लोग ठाकर लगा के फिर से हंस पड़े और शेख चिल्ली गर्व से चला गया। तो हेयर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है, एंड वील जस्ट मीट इन द नेक्स्ट स्टोरी, सी यू नेक्स्ट टाइम।